यहाँ सूखे सूखे आए थे, पूरा भीग चुके हैं इस वक्त, पूरे चल जल्दी इतना पानी डाल ले। आगे पता लग गया कितना होती है हुड़दंग। फाइनली हम आ चुके हैं बरसाने, बरसाने की होली खेलने, और आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और आ गए हम बरसाने, और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त माहौल हो रहा है इस वक्त, बहुत पोलाइट और अच्छी होली चल रही है यहाँ पर। तो एक दूसरे के मतलब जान नहीं पहचान तो भी बहुत प्यार मोहब्बत से सब एक दूसरे के रंग लगा रहे हैं, और यहाँ का बहुत अच्छा वो है। और एक तो यहाँ की कहावत है, पुराने कपड़े 5 रुपए का रंग, काटो हुड़दंग, खूब उड़ाओ होली के त्योहार पे रंग। तो आपको व्यू दिखाता हूँ, इधर हम राधा रानी के मंदिर पे चढ़ रहे हैं। होली का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ का, और अगर हम पहले बार आते वो एकादशी से कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, उस दिन होती है होली जो, तो और भी बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। राधे राधे देते हैं ये प्यार मोहब्बत में, और इतना मजा आ रहा है इस वक्त, अब तक की बेस्ट होली यहाँ पर। डीजे पीजे अंदर मंदिर में जो ढोल वोल बज रहे थे, तो वो सब इतना अच्छा लग रहा था बजते हुए कि, और जो लेडीज नाच रही थी इतना अच्छे तरीके से, तो एक है अच्छी चीजें अपना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बिना डीजे वीजे के, और इतनी प्यारी होली हो रही है यहाँ पर कि बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, और एक बार तो लाइफ टाइम में आपको आना चाहिए यहाँ होली मनाने।
बहुत ही हो रही है, बहुत थोड़ा सा खान पीन कर लें। सारे ही बहुत आराम से हो रहे हैं, भीड़ भाड़ तो इतनी नहीं मिल रही, पर जो हुड़दंगबाज है वो मान नहीं रहे, तो सबको पोते जा रहे हैं, पोते जा रहे हैं। और ये गिरिराज जी का टेंपल में चल रहे हैं सौतम, ये पंडित जी ने लगाया था गुलाल येलो कलर का, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए हमें, दुष्कर्मी है थोड़े से पुण्य भी मिल जाए। घूमते घामते अपना पहुंच गए वृंदावन लास्ट में, बांके बिहारी मंदिर। अब यहाँ की होली बची है बस, और थकान हो रखी है बहुत ज्यादा, देखते हैं आगे। यहाँ सूखे सूखे आए थे, पूरा भीग चुके हैं इस वक्त, पूरे चल चलते इतना पानी डाल लिया, आगे पता लग गया इतना होती है यहाँ हुड़दंग। राधे। वहां के बिहारी मंदिर में पहुंच गए हैं, कैमरा ब्लर हो चुका है, पानी पानी हो रहा है और बहुत ही ज्यादा पानी डालने डालने पूरा देख लो पूरा भीग चुके हैं, और उम्मीद नहीं थी। करते हैं अब मैं फाइनली अपने घर पे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे की ट्रिप बैठी है। और एक चीज़ तो था कि मथुरा की होली अच्छी है, बट इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स और वुमेन, मतलब वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं है उनके साथ, तो होली पे वो अवॉइड करें जाना, कुछ खास बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, ये मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, ये बात अच्छी नहीं है वो इस पवित्र स्थान की, कि आप वहाँ पर लोग बदतमीजी करें औरतों के साथ, जान पूछ के उनके ऊपर ही रंग डालें, और ये कोई बात नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। अब ना मनाइए होली प्यार से, मनाइए तो प्यार से भी नहीं लगाते तो भिगो के छोड़ेंगे आपको, बट फिर भी होली के लिए वहाँ औरतों और लड़कियों का जाना ज़्यादा मैं मानता नहीं सेफ है। और बट बाय द वे सब कुछ बढ़िया से हुआ, और वहाँ पर होली खेलने का ट्रेडिशन ये नहीं है कि आप यहाँ जो छोटे छोटे पैकेट लेके चलते हो ना, वो नहीं है वहाँ ट्रेडिशन, वहाँ 5-5 किलो के कट्टे होते हैं सबके हाथ में, तो वो तुम्हें पता ही है कितना कलर, फिर कलर उड़ेगा। और रोड पे जब हम चल रहे थे तो पूरी रोड गुलाल से इस वक्त थी, कि मतलब चलने में मिट्टी तो कहा कंकड़ तक नहीं, गुलाल ने सब ढक रखा था, इतना गुलाल था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी कुछ करें करें यार, प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाएं। बाय।